गाइस, स्वागत है कॉर्नर फ्रेश वीडियो पे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जो है हम लोग एक खुद का एक स्मार्टफोन कंट्रोल्ड माउस बना सकते हैं। तो जिनको नहीं पता ये क्या है स्मार्टफोन कंट्रोल्ड माउस, तो हम लोग क्या करेंगे ना, आज हम लोग अपने स्मार्टफोन के थ्रू ना अपने लैपटॉप के माउस को कंट्रोल करेंगे। थोड़ा साउंड क्रेजी कर रहा है, क्रेजीएस्ट प्रोजेक्ट, सच में ये क्रेजीएस्ट प्रोजेक्ट है। जब मैंने भी इसे ट्राई किया तो बहुत ही क्रेजी लगा, बहुत ही, लेकिन सही है, वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करता, बहुत ही सही वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को अभी जाके लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन अभी दबा दो ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और अब बात करते हैं कि क्यों वीडियो लेट था। तो एक्चुअली देखो, मेरा 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, ठीक है, इसीलिए मैंने वीडियो नया नहीं डाला। तो कोई बात नहीं, हम लोग वापस आ चुके हैं, अब फिर से मनाएंगे एक से एक प्रोजेक्ट। तो चलिए फिर हम लोग जो है कैमरा स्विच कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ जो है इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओ एक मिनट, देखो स्विच करने से पहले एक और चीज़ कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम लोग कुछ चीज़ का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, ठीक है, और उसका गिव अवे भी करेंगे। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली जितना यूनिट मुझे चाहिए था गिव अवे करने के लिए वो अभी तक इतना नहीं आ पाया है, ठीक है। जो चीज़ का एक्चुअली उस वीडियो में मैंने गेस करने के लिए भी कहा था आप लोगों को, तो एक बंदे ने बहुत ही सही गेस किया, वो उसका नाम इनोवेटिव क्रिएशन है, 1885 बोर्ड सही कहा। तो मुझे जो है टोटल आई थिंक 10-20 बोर्ड में जो है मैं ये करने वाला हूँ, गिव अवे करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहो। तो वो वाला जो वीडियो है ना जिसमें हम लोग अनबॉक्स करेंगे और गिव अवे, वो जल्दी आएगा, टेंशन मत लो। जब जैसे ही मेरा बोर्ड्स आ जाएगा, एक्चुअली 10 बोर्ड्स आ गए हैं और 10 बोर्ड्स आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो पूरा 10 बोर्ड्स और आ जाएगा, हम तुरंत ही वीडियो बनाएंगे, उसका अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, ये सब सब देखने के बाद हम लोग जो है फिर उसका गिव अवे करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब स्विच कर लेते कैमरा ताकि देख सके क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो देखो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक आर्डुइनो बोर्ड, ठीक है, आप कोई भी आर्डुइनो बोर्ड यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ मेगा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमें चाहिए होगा एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, ठीक है, आप ऑनलाइन सर्च करो ब्लूटूथ मॉड्यूल, और इनफैक्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप खरीद सकते हो, ठीक है। ये है एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, और साथ में हमें चाहिए होंगे कुछ जम्पर वायर्स, ठीक है। देखो अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो पिंस है, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हो अपने बोर्ड से, तो उस केस में ना आप मेल टू फीमेल वायर यूज़ करो, ठीक है। अगर आप ब्रेडबोर्ड का इस्तेमाल ले रहे हो, ठीक है, तो आप जो है मेल टू मेल वायर यूज़ करो, ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला हूँ इसीलिए जो है मैंने मेल टू फीमेल वायर लिया है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है अब आपको कौन सा लेना है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग कनेक्शंस देख लेते हैं कैसे इसको कनेक्ट करना है, फिर हम लोग कोड देख लेंगे आगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग फिर फाइनल आउटपुट देखेंगे। तो चलिए फिर कैमरा को जो है स्विच, देखो अब हम लोग बात करते हैं कनेक्शंस की, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसके पिंस में एक सेकंड आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ ये देखो, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, फोकस करता हूँ, ठीक है। तो आपको जो है दिख रहा होगा एक 5 वोल्ट पिन है, एक GND पिन है और एक RX TX पिन है, और साइड में इनेबल और TE पिन है, ठीक है। तो हम लोग को इनेबल और TE पिन का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को बीच के 4 ही पिन का ज़रूरत है, RX TX और साथ में जो है GND और प्लस 5 वोल्ट का, ठीक है। तो अब कैसे कनेक्ट करना है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको ना सबसे पहले जैसे 5 वोल्ट और GND तो सभी को पता है कि वो तो पावर पिन है, तो वो जाएगा आर्डुइनो के 5 वोल्ट पिन पे। जैसे ये मेरा यहाँ 5 वोल्ट पिन है, तो मैं यहाँ सिंपली कनेक्ट कर दूँगा, एक मिनट। हाँ ये हो गया, और ये जो है, एक मिनट मैं डार्क यूज़ करता हूँ GND के लिए, ये रहा GND पिन। तो GND जो है जाएगा GND पिन पे आर्डुइनो के, ठीक है। और जो RX TX पिन है ना उस चीज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। RX जो पिन होता है ना इसमें वो जाएगा TX पे, और TX का जो पिन है वो जाएगा आर्डुइनो के RX पे, ठीक है। और ये नहीं कि अभी सब कनेक्ट कर देना है, मतलब इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। आपको एक चीज़ हमेशा, ब्लूटूथ मॉड्यूल आप जब भी यूज़ करो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग कोड अपलोड करते हैं ना उस दौरान हम लोग RX TX पिन पे नहीं लगाते, ठीक है। हम लोग जो है उसको खोल के ही रखते हैं, और जैसे ही जब कोड अपलोड हो जाता है ना उसके बाद हम लोग जो है RX TX पिन पे लगाते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन पिन है इसीलिए, ठीक है। तो आपको तभी लगाना है। अभी मैं यहाँ कनेक्ट कर दे रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है, यहाँ इस पिन में मैं घुसा दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बोर्ड में कनेक्ट नहीं करूँगा,
जब मैं कोड अपलोड करने के बाद जब मैं आपको दिखाऊंगा बोर्ड में कैसे क्या कनेक्ट करना है वो वाला, तो मैं आपको जो है दिखा दूंगा कि कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। तो यही है, सिंपल कनेक्शन है, ठीक है, ज़्यादा कुछ वैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अब जो है हम लोग बात करते हैं कोड के बारे में, ठीक है। देखो कोड पे जो है अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कोड जो है ना, इसमें हम लोग आर्डुइनो आईडीई सिर्फ नहीं, हम लोग इसमें जो है पाइथन का भी प्रोग्रामिंग यूज़ करना होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ही बोर्ड है जिसके थ्रू जो है आप ये सब कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि लियोनार्डो के थ्रू आप ये कर सकते हो, आर्डुइनो लियोनार्डो, अब वो भी एक बोर्ड है, ठीक है, या तो फिर डिजिस्पार्क ADE85 जिसका मैंने अभी बात किया था, जिसका हम लोग अनबॉक्स करेंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उसके थ्रू जो है आप ये सब लाइब्रेरीज के थ्रू कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ना हम लोग को पाइथन का भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल आर्डुइनो बोर्ड्स के लिए। तो इसीलिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, और पाइथन जो है आपके पास सब अपग्रेडेड होना चाहिए और पाई सीरियल होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हो ये सब के बारे में, टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए फिर अब स्विच हो जाते हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप पे। तो हम लोग जो है आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अगर आपके पास पाइथन है तब तो बढ़िया है, ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको देखो क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर पे जाना है, ठीक है, और सर्च करना है python.org/downloads, ठीक है। फिर आपको जो है ये वेबसाइट खुल जाएगा, पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है ये, यहाँ आपको दिख रहा होगा डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज, तो यहाँ देख सकते हो ये 3.9.0 है, ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वाला वर्जन है, ठीक है, तो उसको अपग्रेड कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले पाइथन पे जाना है, जैसा कि देख सकते हो ये जो मेरा वर्जन है ये 3.9 है, ठीक है, मैं यहीं से राइट क्लिक करके आपको जो है आपका जो भी पाइथन है उसका जो है फाइल लोकेशन खोल लेना है, ठीक है। फाइल लोकेशन के बाद ना ये जो आपका एड्रेस है इसको कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है ना, सिंपली CMD खोलना है, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आप जैसा कि देख सकते हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले सर्च लिखना है CD, फिर उसके बाद वो लोकेशन पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हो ये हो चुका है। अब आगे आपको क्या करना है ना, लिखना है पाई एम, एक मिनट, ये डैश, ये हाइफन, देखे एम पीप इंस्टॉल अपग्रेड पीप, एंटर मार देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, और फिर जो है चेक करेगा, तो यहाँ देख सकते हो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड कि मेरा एक्चुअली जो है अपडेट हो चुका है सब चीज़ पूरा पैकेज, ठीक है। अगर आपका नहीं होगा तो वो अपने इंस्टॉल करके वो मतलब इंस्टॉल कर देगा सब चीज़, ठीक है। फिर हम लोग को जो है लिखना है पाई एम, एक मिनट, ये कलेक्टिंग, अच्छा ये हुआ नहीं एक्चुअली, कलेक्टिंग पीप कर रहा है, अच्छा अभी भी मैं कर रहा है, अच्छा मैंने ध्यान ही नहीं दिया ये, अच्छा तो ये कलेक्टिंग पीप कर रहा है, मे बी शायद कुछ रहा होगा, हाँ तो ये थोड़ा सा वर्जन एक हमको लगता है रह गया होगा, एक और नया वर्जन है तो ये थोड़ा ले रहा है टाइम, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे लगता है, ये 8 मिनट दिखा रहा है, आई होप जल्दी से ये डाउनलोड हो जाए। तो देख सकते हो ये जो है पूरा जो है हो चुका है इंस्टॉल्ड ये सब। अब हम लोग को जो क्या करना है, माउस नाम का इंस्टॉल कर लेना है लाइब्रेरी, ठीक है। तो वापस लिखना होगा पाई एम पीप इंस्टॉल माउस, एंटर कर दो, तो ये देखेगा रिक्वायरमेंट जो है सेटिस्फाइड है, ऑलरेडी है हम लोग के पास। तो अब जो है हम लोग को पाई सीरियल डाउनलोड करना है, ये यहाँ से आपको वही सेम चीज लिखना है, यहाँ लिखना है पाई
इंस्टॉल पाए सीरियल, देख सकते हो ये सब सारा रिक्वायरमेंट मेरा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ये सब सारा फाइल्स है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, हम लोग का सब चीज। तो अब हम लोग जो है सीएमडी बंद कर देते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से काम हो गया हम लोग का, ये सब सब हटा देते हैं 1 मिनट। हाँ, होने के बाद आर्डियोनो आईडी आपको खोलना है, ठीक है, अपना सबसे पहले, ठीक। तो देख सकते हैं ये खुल चुका है हम लोग का आर्डियोनो आईडी। तो ये हम लोग का कोड यही है, ठीक है, ये हम लोग का पूरा कोड है, ठीक है। तो कैसे हम लोग जो है अभी अपलोड करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि जब ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट करते हैं तो कैसे हम लोग को जो है अपलोड करना पड़ता है उसको देख लेते हैं। तो हम लोग पहले अपना आर्डियोनो को जो है कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोड तो यही है। तो अब देखो क्या करना है ना, अब जो हमें करना है, अब अपलोड भी अब हम लोग अपलोड करेंगे, और वो साथ में आपको कॉर्नर में एक मिरर जो है स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक छोटा सा आपको स्क्रीन दिखेगा जिसमें जो है आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे जो है अपलोडिंग के वक्त उसको रखना है, मतलब ब्लूटूथ मॉड्यूल को, ठीक है। तो देखो अब जो है अब मैं कोड जो है अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो टूल्स में पहले आऊंगा आऊंगा और सबसे पहले जो है अपना बोर्ड सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है आर्डुइनो में का। फिर हम लोग को जो है कॉम पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, COM6, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद, ठीक है, तो अब लोग ना अपलोड जब करेंगे ना, ठीक है, ये जैसे अपलोड हो रहा है, ठीक है, आपको जो है ये RxJS पिन खोल के रखना है, ठीक है, इसको कनेक्ट मत करना भी। तो ये अपलोड हो रहा है और ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब जो है RX पिन को TX पिन पे कनेक्ट कर सकते हो, और TX पिन को जो है RX पिन पे अब आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। तो देखो ये है RX पिन जो कि जाएगा TX पे, और ये जो है TX पिन जो कि जा रहा है RX पिन पे, ठीक है। तो ये जो है हो चुका है पूरा कनेक्ट, ठीक है, ऐसे ही करना था और इतना कुछ हार्ड नहीं है। अब जो है हम लोग अपना जो है पाइथन प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम ये मैंने ऑलरेडी यहाँ बना के रखा था r.py, ठीक है। तो एडिट विथ मैं पहले आईडी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना आपको फाइल जो है नोटपैड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा ना, ये मैं टेक्स्ट फाइल बना के रखूंगा, आपको बस सिंपली क्या करना है, ये जो आपको टेक्स्ट फाइल मिलेगा आप जो है अपने नोटपैड में खोल के उसको जो है .py करके सेव करना है, जो कि पाइथन का एक्सटेंशन है। और यहाँ जो आपको आर्डियोनो डॉट इक्वल्स टू सीरियल डॉट सीरियल दिख रहा है, ठीक है, आपका कॉम पोर्ट वो जो है आपको चेंज कर लेना है, जो आपका कॉम पोर्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ तो COM6 है, 1 मिनट, COM6 है तो मैं COM6 ही रहने दूंगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कर लेना है, और इस दौरान भी आपको ध्यान देना है कि अभी ना आपको RxJS पिन से फिर से खोलना होगा मॉड्यूल रन करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ रन मॉड्यूल करूंगा, 1 मिनट, रन मॉड्यूल करूंगा तो देख सकते हो कोई एरर नहीं है, ठीक है। और यही अगर मैं अभी कनेक्ट करके करूंगा, ठीक है, 1 मिनट, डू यू वांट किल, यस, अभी फिलहाल किल करना है। और जैसे ही मैं ये रन करूंगा ना, तो देख सकते हो मतलब ये रन ले रहा है ऐसे में, और एक्चुअली मैंने कनेक्ट नहीं किया था। और अगर ऐसे में आप करोगे ना तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, यहाँ पे जो है एरर आ जाएगा, ठीक है, एक बहुत बड़ा की सीरियल मॉनिटर जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको जो है जब आप ये मॉड्यूल रन करोगे तब जो है हटा के वापस से जो है उस पिन को कनेक्ट कर देना, ठीक है, तो वापस से सारा डेटा आने लगेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो है इस कोड का, मतलब ये जो हम लोगों ने बनाया है, इसका फाइनल आउटपुट जो है अब हम लोग देख तो लेते हैं। देखो एक और चीज मुझे बोलना था, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही कोड अपलोड कर लोगे ना अपने आर्डुइनो में, आप उसको जो है अनप्लग कर देना, ठीक है, 5 to 10 सेकंड्स के लिए, फिर वापस है ना उसको प्लग कर लेना, ठीक है। वरना जो है बहुत बार होता है कि एक एरर शो कर जाता है, मतलब वो वर्क नहीं करता है, सारा चीज रन कर जाएगा लेकिन आप जब अपना ऐप से कंट्रोल करोगे तो नहीं वर्क करेगा। इसीलिए आप क्या करना है ना, जब कोड पूरा लिखा जाए नीचे आपका आर्डुइनो आईडी में डन अपलोडिंग, उसके बाद जो है आप सिंपली उसको रिमूव करना, ठीक है, अनप्लग करना, फिर उसके बाद जो है 5 सेकंड बाद उसको वापस से प्लग करना, ठीक है।
और अपना पाइथन का जो आपका प्रोग्राम है उसको रन कर देना, ठीक है? तो ये वो जो है प्रॉपरली जो है पूरा वर्क करने लगेगा। सो देखो, आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना होगा इसके लिए, ठीक है? प्ले स्टोर से नहीं, आपको जो डाउनलोड करना होगा ना वो आपको डाउनलोड करना होगा ड्राइव लिंक से, मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है? वो एक्चुअली मेरे टीम ने बनाया है इसीलिए। तो आप वहाँ से जाके ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद कैसे क्या करना है अब हम लोग जो है वो उसको देख लेते हैं। तो फाइनल आउटपुट में ही उसको कंबाइन कर लेते हैं। तो चलिए फिर कैमरा फिर से स्विच कर लेते हैं। देखो, फाइनल सब चीज़ सेटअप हो चुका है, ठीक है? ये रहा हम लोग का ऐप, ठीक है? ये कुछ ऐसा दिखता है। तो आपको क्या करना होगा ना, सबसे पहले अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेना होगा, फिर ब्लूटूथ कनेक्ट पे क्लिक करके अपना H605 सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है तो मुझे सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और कैसे पता करना है कि ये कनेक्ट हो चुका है? कनेक्ट होने बाद ना ये ब्लिंकिंग जो होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पे ना स्टेटस लिखा जाता है कनेक्टेड, ठीक है? तो वो रहा हम लोग का माउस पॉइंटर, देख सकते हो, ठीक है? और ये रहा हम लोग का ऐप, ठीक है? तो अभी देखना, मैं इसे कंट्रोल करूँगा और ये हिलेगा। एक मिनट, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे, ठीक है? तो देख सकते हो, ये देखो, ये देख सकते हो, ठीक है? ये राइट क्लिक का बटन है, ये देख सकते हो, राइट क्लिक। आप यहाँ से जा सकते हो, लेफ्ट क्लिक से आप रिफ्रेश कर सकते हो। एक मिनट, मैं थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ, रिफ्रेश में आप देखना, लेफ्ट क्लिक करूँगा तो देख सकते हो रिफ्रेश हो गया है, ठीक है? हम लोग इसको जाके यहाँ से क्लोज भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हो। ये एक मिनट ऊपर लिया मैंने, हाँ देख सकते हो, लेफ्ट क्लिक। हाँ नहीं, इसको तो मेन है भाई, ये तो एक्चुअली रन कर रहा है तो इसको हम लोग बंद नहीं करेंगे, इसको हम लोग जो है सिंपली मिनिमाइज करेंगे, लेफ्ट क्लिक। तो आप इस व्यू में भी देख लो, अगर आपको यकीन नहीं होता है, अगर मान लो आप सोच रहे हो कि उसमें मैंने माउस यूज़ किया, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि मैं देखो उन सब पे घुमाऊँगा, ठीक है? देख सकते हो ये घूम रहा है, वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे भी लाऊंगा, देख सकते हो अलग अलग ऐप्स, ऐप पे आ रहा होगा आई थिंक, आपको दिख रहा है, हाँ देख सकते हो। ये माउस को मैं जैसा कंट्रोल कर रहा हूँ वो वैसा कंट्रोल हो रहा है, ठीक है? इसको अब हम देखो लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखना मैक्सिमाइज हो जाएगा, देख सकते हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूँ। टिल देन, गुड बाय।